हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BinaryTube प्रयागराज। माई सेल्फ रोहित और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत ही दिन बाद मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से मैं आपके सामने बहुत दिन बाद आया हूँ, लेकिन ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी हमारी जो चल रही थी कुछ दिनों से, वो सॉल्व हो गई है। अब आपको रेगुलर वीडियोज़ प्राप्त होती रहेंगी और ये इंश्योर कराता हूँ कि आप ज़रूर आगामी जो ओ लेवल का पेपर होगा वो जरूर पास होंगे। और पिछली वीडियो आप जानते होंगे, मैं आपको आई टी टूल्स पढ़ा रहा था, लेक्चर 9 पे मैंने ख़त्म किया था। आज हम लेक्चर 10 पे चलते हैं और लेक्चर 10 के एटीट्यूड बिजनेस सिस्टम में हम लोग आज पढ़ेंगे। यहाँ स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में जाना था। अब सॉफ्टवेयर के थोड़ा और अंदर चलते हैं, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोर्स है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, यानी ये क्या है? कई सारे प्रोग्रामों का समूह होता है। आगे, विथ डिज़ाइन टू परफॉर्म अ वेल डिजाइंड फंक्शन, वेल डिफाइंड फंक्शन, यानी इसको किसे डिजाइन किया जाता है? किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक, तो सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को क्या करता है? वेल डिफाइंड रूप में सॉल्व करता है। ठीक, जैसे हमें 2+2 नंबर जोड़ना है तो हम क्या करेंगे? एडिशन का एक प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हम लोग क्या देंगे? दो नंबर देंगे। वो एडिशन का प्रोग्राम क्या करेगा? उस दो नंबर को आपस में जोड़ेगा और 4 हमारे सामने, यानी रिजल्ट हमारे सामने लाएगा। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक कलेक्शन प्रोग्राम होता है जो किसी फंक्शन को वेल डिफाइंड रूप में परफॉर्म या सॉल्व करता है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि ये प्रोग्राम तो मैंने बोल दिया वेल कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, अब प्रोग्राम क्या है? तो प्रोग्राम की बात करेंगे तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम में हम लोग करते क्या है? इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उस इंस्ट्रक्शन को सीक्वेंस वाइज लिख के हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज अ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में आप क्या लिखेंगे? अ प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक, तो हर प्रोग्राम में क्या होता है? सीक्वेंस वाले इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उन इंस्ट्रक्शन के माध्यम से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जब कई सारे प्रोग्राम आपस में मिलते हैं तब क्या बनते हैं? सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा हो तो आपने नोट पैड चलाया होगा, नोट पैड आप खोल लीजिएगा। तो नोट पैड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अब आप कहेंगे इसमें प्रोग्राम कहाँ है? तो इसमें जब आप फाइल मेनू पर जाते हैं, न्यू क्या है? एक प्रोग्राम है। उस प्रोग्राम पर क्या करते हो? क्लिक करते हो, नया पेज आता है। ओपन क्या है? प्रोग्राम है। कट क्या है? प्रोग्राम है। कॉपी क्या है? प्रोग्राम। ये सारे प्रोग्राम आपस मिल जाते हैं और किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो नोट पैड के केस में प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो रही है? टाइपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो वही सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो नोट पैड सॉफ्टवेयर है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, न्यू ओपन सेव सेव है, ये सब क्या है? प्रोग्राम। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और अंदर चलते हैं, और सॉफ्टवेयर करता क्या है? इट मैनेज कंप्यूटर डिवाइस हाउ टू परफॉर्म, यानी साथ ही साथ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व तो करता है, साथ ही साथ ये हमारे जो भी हार्डवेयर डिवाइस लगे हुए हैं उसको मैनेज करने का काम भी करता है। एक तरह से कहा जा सकता है हाउ टू परफॉर्म आवर हार्डवेयर डिवाइस। अगर किसी हार्डवेयर डिवाइस से हमें कुछ काम कराना है या कुछ काम लेना है तो उसको इंस्ट्रक्शन हम जिस फॉर्म में देते हैं वो फॉर्म का क्या नाम होता है? सॉफ्टवेयर फॉर्म होता है। यानी उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? किसी डिवाइस को परफॉर्म करा सकते हैं या उससे काम ले सकते हैं। बिना सॉफ्टवेयर के आप कोई भी डिवाइस परफॉर्म नहीं कर। एग्जांपल के तौर पे प्रिंटर आपका हार्डवेयर है, लेकिन प्रिंटर तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसका सॉफ्टवेयर नहीं डालेंगे, यानी उसका ड्राइवर नहीं डालेंगे। तो समझ में आ रहा होगा, किसी भी डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस के अगर आपको काम लेना है तो आपके लिए उसको इंस्ट्रक्शन देना होगा। इंस्ट्रक्शन का फॉर्म क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा। ठीक, अगला, इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसा कि पहले अभी इसके पहले मैंने बताया, किसी भी काम को लेना है तो सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगली लाइन में हमने क्या जोड़ा है? इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी यूजर जो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है वो कैसे करता है? सॉफ्टवेयर के माध्यम से करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सिस्टम खरीदेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का सॉफ्टवेयर डालेंगे। वो कुछ भी हो, विंडो 7 भी हो सकता है, विंडो 8 भी हो सकता है, लिनक्स, यूनिक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको एक डालना पड़ेगा, क्योंकि आप उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप उस हार्डवेयर पे काम कर सकते हैं। तो अगर हमें अपनी चीज़ें, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी काम कंप्यूटर को बोलना है, बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? इंटरफेस, हमारे और हार्डवेयर बीच में इंटरफेस, कम्युनिकेशन कराने का भी कार्य करता है। ठीक,
एक छोटा सा डायग्राम है, एक छोटा सा डायग्राम है जिसपे हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। तो सबसे जो लोवेस्ट लेयर होती है, सबसे जो लोवेस्ट लेयर होती है इसको हार्डवेयर बोलते हैं, क्योंकि हार्डवेयर क्या होती है, लोवेस्ट लेयर। उसके ऊपर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या होता है, यूजर होता है। तो यूजर आप देख रहे हो ये हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ओएस का यूज कर रहा है हार्डवेयर से, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो आप देख रहे होंगे यूजर जो होता है वो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं करता, वो किसी न किसी सॉफ्टवेयर का यूज करता है। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकता है और हार्डवेयर का या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है। तो ये तो हो गई हमारे सॉफ्टवेयर की बात। आई थिंक सॉफ्टवेयर आपको समझ में आएगा, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो इतना लिख देंगे ओ लेवल इनफ है, हिंदी में लिख देंगे तब भी चलेगा। बस बसरते ही होना चाहिए आपने जो एग्जाम फॉर्म भरा उसमें हिंदी टिक किया हो, इसलिए मैं हिंदी में बोला, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। बाकी आपको नोट्स जो होगी वो प्रोवाइड कर दिएगा, अगर हमारे आप BinaryTube प्रयागराज या BinaryTube.in के माध्यम से आपने ओ लेवल सब्सक्राइब किया हो या आपने ओ लेवल लिया हो, परचेस किया हो। अब आते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर जो होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इधर दिख रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर आपसे कोई पूछे सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओ लेवल के आईटी टूल्स बिजनेस सिस्टम में या आईसीटी में हमेशा पूछा जाता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर एंड राइट डाउन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा या बताना पड़ेगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात, पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर समझ लो होता क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर नाम से पता है, सिस्टम का सॉफ्टवेयर, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को बनाने में, सिस्टम को चलाने में, सिस्टम को मैनेज करने में कार्य काम करते हैं या रोल अपनाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को बनाने में, सिस्टम को चलाने में, सिस्टम को मैनेज करने में काम आते हैं, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउ टू मैनेज ऑल पार्ट्स ऑफ सिस्टम हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक, तो पहला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है हमारा क्या, ओएस। ओएस का फुल फॉर्म लिख लेना, ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, अब जान लो ओएस करता है, ओएस हमारे एक अलग चैप्टर के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे, ओएस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन अभी जल्दी से जान लो ओएस क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, करता क्या है, क्यों सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि हमारे सारे सिस्टम को मैनेज करता है, एक तरह से हमारे सिस्टम में गवर्नमेंट की तरह काम करता है। जैसे गवर्नमेंट हमारे पर पूरा नियंत्रण रखती है, वैसे ही ओएस जो करता है वो क्या करता है, सारे चीज़ों को नियंत्रण रखता है। पहला काम तो हमारे और यूजर के बीच में इंटरफेस कराता है, क्योंकि बिना ओएस के हम सिस्टम चला नहीं सकते। दूसरा काम, हमने सारे बोल दिया, तो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बेस प्रोवाइड करता है। बिना ओएस के आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते। तीसरा काम, मैनेजमेंट का काम करता है। आप एक साथ चार चार काम दे देते हैं, पांच पांच काम दे देते हैं, तो कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम होल्ड होगा, ये सारे काम कौन देखता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। इसीलिए किस में आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आता है, क्योंकि मैंने पहले बताया ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम बनाने, चलाने, मैनेज करने काम आते हैं, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं। तो जाहिर सी बात है ओएस भी क्या होगा, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। अब यहाँ आप देखोगे मैंने कुछ लिखा, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज 7, विंडोज 8, मैक ओएस, विंडोज एक्सपी, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, आप लोग ज़्यादातर विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 के बारे में सुना, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है, क्योंकि यूजर फ्रेंडली होता है, लोग इसको आसानी सीख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यूनिक्स लिनक्स भी होता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जितने भी कंप्यूटर हैं वहाँ पर लिनक्स यूज होता है, क्योंकि ओपन सोर्स होता है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो और सिक्योर होता है। तो ये भी आपका ओएस है। तो जो यूजर को जो पसंद है या जो इन्वायरमेंट पे काम करना चाहता है वो वाला ओएस यूज कर सकता है। ठीक, तो आपके पास कोई ना कोई एक ओएस होना चाहिए। इसके अलावा मैक ओएस होता है, बंद कर दो। मैक ओएस होता है, मैक ओएस क्या है, एप्पल के जितने भी सिस्टम होते हैं उस पर काम करता है कौन, हमारा मैक ओएस। तो मैक ओएस का काम क्या है, ये एक पर्टिकुलर मशीन पे चलता है। मैक ओएस का फुल फॉर्म होता है मैकिंटोस, यहां मैं लिख दे रहा हूं मैकिंटोस।
मैक ओएस का फुल फॉर्म मैकिंटोस, जो क्या होता है केवल एप्पल के सिस्टम पे कार्य करता है। ठीक, विंडोज एक्सपी, जब विंडोज 7 नहीं था तो विंडोज एक्सपी आया। इसमें आपसे ये पूछ सकता, कभी कभी पूछ लेता है एक नंबर के सवाल में कि लेटेस्ट विंडोज का ओएस इस समय कौन सा है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे, विंडोज 10। विंडोज 10 इज द लेटेस्ट ओएस ऑफ प्रेजेंट टाइम, यानी अभी इस समय क्या है, विंडोज ओएस, विंडोज 10 है। अगर आपसे कोई पूछ ले ओपन सोर्स कौन सा होता है, तो लिनक्स यूनिक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ओएस है। जब हम लोग ओएस के बारे में पढ़ेंगे बताएंगे, तो लिनक्स यूनिक्स क्या है, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मतलब फ्री में अवेलेबल होता है। विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, मैक, विंडोज एक्सपी को आप क्या करना, परचेस करना पड़ता है, लेकिन यूनिक्स लिनक्स को आप पूरी तरह नेट से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं बिना कोई चार्ज के। तो अगर आपसे ओपन सोर्स पूछ लेगा तो यूनिक्स लिनक्स लगाएंगे। अगर आपसे ये पूछ ले कि विंडोज का लेटेस्ट ओएस कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे, विंडोज 10। क्या लगाएंगे, यहां लिख दे रहा हूं, विंडोज 10 जो है वो क्या है, लेटेस्ट ओएस है विंडोज 10, विंडोज का। ठीक, तो ये हो गई बात ओएस की। इसके अलावा भी कुछ और सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में आते हैं, उसमें दूसरे नंबर पर आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी एक कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की, मतलब उपयोगिता, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम लोग उपयोगिता के तौर पर यूज करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। यानी ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को अच्छा, सिस्टम और अच्छा काम करे या उसकी हेल्थ मेंटेन रहे, तो इसका, इस चीज़ के लिए हम लोग कुछ अदर सॉफ्टवेयर डालते हैं जिसके थ्रू हमारा सिस्टम अधिक देर तक अच्छा काम, फास्ट काम करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए भी जरूरी है, सिस्टम भी जरूरी है, लेकिन किसके अंतर्गत आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। इसमें जब इसमें नंबर पे आपका आता है एंटीवायरस। अगर आपसे कोई पूछ ले एंटीवायरस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो आप क्या बताएंगे, एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्यों, क्योंकि इसको डाले ना डाले कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर सिस्टम को लॉन्ग टाइम पे रन करना है, अच्छा काम करना है, आपका डेटा चोरी ना हो, तो आप लोग क्या करेंगे, एंटीवायरस को इंस्टॉल करेंगे, जो सिस्टम की हेल्थ को बनाए रखता है, सिस्टम अच्छा काम करे, फास्ट काम करे, बिना रुके काम करे, डेटा आपका चोरी ना हो, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। तो एंटीवायरस करता क्या है, ये हमें वायरस से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि एक से एक वायरस में आते हैं जो डेटा हाइडिंग, डेटा स्पूलिंग का काम करते हैं, डेटा स्नूपिंग का काम करते हैं, डेटा चोरी का करने का काम करते हैं। तो इन सब बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस का यूज करते हैं। और एंटीवायरस का यूज किस लिए करते हैं, वायरस से बचने के लिए। इसमें वायरस का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस का फुल फॉर्म लिख लेना, वी से क्या होता है, वाइटल, आई से क्या होता है, इन्फेक्टेड, आर से क्या होता है, रिसोर्स, यू से क्या होता है, अंडर, एस से क्या होता है, सीज्ड। वाइटल, इन्फेक्टेड, रिसोर्स, अंडर, सीज्ड, यानी ऐसे रिसोर्स या ऐसे इंस्ट्रक्शन जो क्या हो, बहुत ही ज्यादा ग्रसित हो, इन्फेक्टेड हो, किसी अदर के मतलब अदर यूजर से सीज्ड हो, उसके द्वारा काम करे, ऐसे रिसोर्स को, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। वायरस इज अ प्रोग्राम, वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है, मतलब कि गलत तरह के कार्य करता है, गलत तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग वायरस बोलते हैं। वायरस का फुल फॉर्म वाइटल, इन्फेक्टेड, रिसोर्स, अंडर, सीज्ड। और ऐसे रिसोर्स हमारे सिस्टम में आ ना जाए पेन ड्राइव के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, इससे बचने के लिए हम लोग एंटीवायरस का यूज करते हैं। इसके अलावा डिस्क क्लीनअप, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ये क्लीनिंग यूटिलिटी में आता है। ये क्या करता है, डिस्क की क्लीनिंग करता है। हम लोग अगर लॉन्ग टाइम पे कंप्यूटर पे काम करते हैं, एक साल, दो साल, चार साल काम करते हैं, तो जाहिर सी बात हमारे सिस्टम में कुछ फालतू के फोल्डर, फालतू के फाइल स्टोर हो जाते हैं, जो कि हमें पता नहीं रहते कहाँ कहाँ पे है, तो उन सबको धूल निकालने का काम, फिर उनको डिलीट कराने का काम, मेमोरी फ्री करने का काम कौन करता है, डिस्क क्लीनअप करता है। डिस्क क्लीनअप क्या करता है, डिस्क की क्लीनिंग करता है। डिस्क की क्लीनिंग हो जाएगी, मेमोरी जब बढ़ जाएगी तो हमारे भी काम आएगी, हम उसमें डेटा ज़्यादा लोड कर सकते हैं, प्लस जब क्लीन हो जाएगा, फालतू चीज़ें हट जाएंगी, तो सिस्टम क्या होगा, फास्ट काम करेगा। ठीक, और यूटिलिटी का यही प्रॉपर्टी है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या कर रहे हैं, सिस्टम को मेंटेन करे, सिस्टम को अच्छा बनाए, सिस्टम को फास्ट बनाए, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अगला लिखा है डिस्क डिफ्रैगमेंट। डिस्क डिफ्रैगमेंट का क्या काम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारी मेमोरी होती है वो सेक्टर और ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, जो हमारी मेमोरी होती है वो इस तरह कुछ होती है, ये कई सारे ब्लॉक्स बने होते हैं, तो जो फाइल सेव होती है वो कहीं भी सेव हो जाती है,
जैसे ए नाम की फाइल यहाँ से और बी नाम की यहाँ हो गई, तो इतनी चीज़ें क्या हो जाएंगी, फुल हो जाएंगी, जबकि है खाली। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्क डिफ्रैगमेंट साल में एक बार चला देते हैं। जो क्या करता है, ये जो जो ये जगह फ्री है, ये एफ वाली फ्री है, इसको क्या करता है, बी वाली फाइल को उठाता है, यहाँ रख देता है, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्री हो गया पूरा। तो कहने का मतलब ये क्या करता है, जो फाइलें तितर बितर हैं और फालतू हमारी मेमोरी कंज्यूम कर रही है, उस तितर बितर फाइल को एक जगह इकट्ठा करता है, इकट्ठा करेगा तो मेमोरी फ्री होगी, मेमोरी फ्री होगी सिस्टम फास्ट होगा और हम अधिक डेटा लोड कर सकते हैं। ठीक, तो डिस्क डिफ्रैगमेंट भी एक तरह क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी कुछ अदर सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर भी क्या है, एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आप लोग, मैंने पहले बताया, हर हर डिवाइस का या हर हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, जैसे प्रिंटर, जब प्रिंटर घर पे लाते हैं तो प्रिंटर के साथ एक सीडी मिलती है, वो सीडी क्या होती है, प्रिंटर का ड्राइवर होता है, यानी प्रिंटर का सॉफ्टवेयर होता है, प्रिंटर को चलाने में मदद करता है। ठीक, आप कोई भी मॉडम लगाते हैं, मॉडम का एक ड्राइवर होता है, तो हर डिवाइस के साथ एक ड्राइवर होता है, जो उस ड्राइवर के माध्यम से यूजर क्या करता है, उस हार्डवेयर को चलाता है। तो ये डिवाइस ड्राइवर भी क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये सिस्टम को चलाने में मदद कर रहा है, सिस्टम के रिसोर्स है जो भी हार्डवेयर, उसको चलाने में मदद कर रहा है, इसलिए डिवाइस ड्राइवर भी क्या है, आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप, मैंने पहले बताया, ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को बनाने में, तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस लैंग्वेज प्रोग्राम के, मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। सी, सी प्लस प्लस, जावा सुना होगा, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिनके माध्यम से हम लोग सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। तो एग्जांपल में लिख सकते हो सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सिस्टम को बनाने में काम आते हैं, इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। बायोस, बायोस का फुल फॉर्म नोट कर लेना, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो बायोस होता है वो एक भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को स्टार्ट करने में मदद करता है। जितनी भी सिस्टम की जो बेसिक इनपुट आउटपुट, जैसे कीबोर्ड की सेटिंग, माउस की सेटिंग, ग्राफिक्स सेटिंग, रैम की सेटिंग, ये सारी सेटिंग्स, ये सारे चीज़ों की एक एक क्या होता है, ड्राइवर या एक तरह सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर कलेक्शन को लोग बायोस बोलते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो बिना उसके आप कीबोर्ड, माउस, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो आप चला नहीं सकते, तो कभी, तो बायोस भी क्या है, हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक, कंपाइलर इंटरप्रेटर, ये दोनों है क्या, जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है वो क्या है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करेंगे, लेकिन अगर हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, एग्जांपल की बात करें, तो थोड़ा सा बताना बनता है। तो कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन कैसा सॉफ्टवेयर है, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, क्योंकि हम लोग शुरू में लेक्चर में पढ़ा था कंप्यूटर केवल 0 और 1 जानता है, और हम लोग क्या जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तो हम लोग जो भी काम करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में करते हैं, सिस्टम समझता है 0 और 1, तो जाहिर बात है बीच में क्या चाहिए, गाइड चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, जो क्या करे, हमारे इंग्लिश वाली लैंग्वेज को 0 और 1 की भाषा में कन्वर्ट करे। तो ये काम वही करता है कंपाइलर इंटरप्रेटर, क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल जो हमारी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब 0 और 1 की भाषा, तो कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं या जो भी प्रोग्राम बनाते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन असल में उसको हम लोग कंपाइल और इंटरप्रेट कराते हैं। वो इंटरप्रेट कंपाइल में होता क्या है, जो हमने हाई लैंग्वेज में लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, जाहिर सिस्टम बनाने का काम कर रहा है, इसीलिए भी किस में आएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा। तो ये तो गए कुछ हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। ठीक, बाकी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, अगर कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ समझ में आई, तो मैं उसको दोबारा बता दूंगा, या उस नोट्स, उस चीज़ को नोट्स मेंशन कर दूँ, या आपके पर्टिकुलर कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। ठीक, कोई भी चीज़ समझ में आए तो आप मतलब बिना हिचके, बिना हिचक के आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है बायोटू प्रयागराज स्टार्ट करने का, कि अधिक से अधिक लोगों को ये पता चले कि वो लेवल कठिन नहीं होता है, अगर आप स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो बहुत ही सरल कोर्स होता है, और आने वाले दिनों में कहीं किसी जॉब में, ऑफिशियल काम में, तो बहुत ही मस्ट होता है, क्योंकि जो आप पहला पेपर पढ़ रहे हैं ये पूरा ऑफिशियल तरह से, अगर आपको कहीं ऑफिस में काम करना हो, वो बोले कि सीख के आओ, तो आप पहला पेपर पढ़ लोगे तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है,
ये ऐसा पेपर है, तो एकदम इजी होता है, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, कुछ समझना है जरूर पूछिएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात, और मैंने बताया था एक सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो पहले जान लो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार सिस्टम में डाले जाते हैं, या ऐसे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर यूजर की पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करे, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक, मुझे मेरी बहुत बड़ी कोचिंग है, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है इधर उधर से, अब मुझे समझ में आ रहा है कौन कहाँ से आ रहा है, कितना लाभ कितना हानि हो रहा है, तो मैं कौन सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा। आप फोटो का काम कर रहे हैं तो आप फोटोशॉप का यूज़ करेंगे, अगला बंदा वीडियो का काम कर रहा है, शादी की रिकॉर्डिंग कर रहा, तो वो वीडियो एडिटर का यूज़ करेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर यूजर की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे एमएस वर्ड टाइपिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एक्सेल डेटा एनालिसिस का, अकाउंटिंग का, जोड़ घटाना गुणा भाग की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वीएलसी गाना सुनने की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, टैली अकाउंटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फोटोशॉप आपका डिजाइनिंग फोटोशॉप फोटो बनाने के काम आता है, इसके अलावा रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, ठीक, कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। ठीक, तो यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको सॉफ्टवेयर द्वारा मैनेज करना है, कोई सॉफ्टवेयर आपने बनवाया, तो वो सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर कहलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ये लाखों हजारों में हो सकते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आप सर्च करें, टाइपिंग सॉफ्टवेयर नेट सर्च करें, तो हजारों सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, लेकिन आप ओएस को सर्च करेंगे तो 10-20, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार सिस्टम में डाले जाते हैं या यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एमएस वर्ड, एक्सेल, वीएलसी, टैली, फोटोशॉप लिख देना एग्जांपल में, चल जाएगा। ठीक, जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, अभी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में निर्मित ओएस का नाम बताओ, तो आप क्या बताएंगे? बॉस। ठीक, तो बॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेड इन इंडिया है, पूरी तरह से भारत में बना हुआ है। अब पूछा जाए किस पे बेस्ड है, तो क्या लिखोगे? लिनक्स बेस्ड। ठीक, तो यानी किस पे बना है? लिनक्स पे बना है। कहाँ बना है? इंडिया में बना है, और बॉस हो गया। तो अगर आप पूछे बॉस का, तो आज मैं हम लोग यहाँ लेक्चर 10 को समाप्त करते हैं। लेक्चर 11 में जब हम आएंगे, और कहाँ जाते जाते आपको ये बता दें, कोई भी जहाँ समय कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिएगा। लेक्चर 11 में जब हम आएंगे, तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? ओएस को स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज ओएस। ठीक, तो तब के लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम लोग ओएस से मिलेंगे, ओएस के बारे में ओएस से मिलेंगे, और आपको प्रॉपर इसका नोट्स मिल जाएगा, लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप BinaryTube.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ www.BinaryTube.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है 8318119800, आप इस पर भी कोई भी क्वेरी हो आप कर सकते हैं, नोट्स रिलेटेड, लेक्चर रिलेटेड। ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।